सच साहस सरोकार। प्रयागराज के धूमनगंज इलाके में मुठभेड़, बड़ी खबर प्रयागराज से सामने आ रही है। उमेश पाल मर्डर के संदिग्ध आरोपी से पुलिस की मुठभेड़, बड़ी खबर प्रयागराज से सामने आ रही है। पुलिस मुठभेड़ में एक आरोपी हुआ ढेर। अरबाज नाम का शूटर पुलिस मुठभेड़ में हुआ ढेर, बड़ी खबर प्रयागराज से सामने आ रही है। उमेश हत्याकांड के वक्त अरबाज कार चलाता दिखा था। प्रयागराज के धूमनगंज इलाके में मुठभेड़, बड़ी खबर प्रयागराज से है। उमेश पाल हत्याकांड में संदिग्ध आरोपी से पुलिस की मुठभेड़। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता पवन पटेल हमारे साथ जुड़ेंगे। पवन, देखा जाए तो उमेश हत्याकांड को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर पुलिस की मुठभेड़ हुई है। जी बिल्कुल नंदनी, अगर बीते शुक्रवार की बात की जाए तो धूमनगंज थाना क्षेत्र में उमेश पाल को दिनदहाड़े गोलियों से भूनकर हत्या कर दिया गया था और पुलिस की टीमें लगातार उस पर कार्य कर रही थी। अभी थोड़ी देर पहले ही धूमनगंज थाना क्षेत्र के नेहरू पार्क में पुलिस की एक शातिर से मुठभेड़ हुई है। कहा जा रहा है कि अरबाज नाम का जो अपराधी है वो घटना के समय कार चला रहा था और पुलिस के द्वारा मुठभेड़ में एक पुलिसकर्मी भी जो है वो घायल है। हालांकि जो अपराधी है उसकी मौत हो चुकी है, लेकिन इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है और पुलिस की टीमें लगातार अभी भी कार्य कर रही हैं। और जो घायल अपराधी अरबाज, उसको अभी एसआरएम अस्पताल लाया गया है। पुलिस के द्वारा ये कहा जा रहा है कि उसकी मौत हो गई, लेकिन इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है। जी नंदिनी। उमेश हत्याकांड लगातार जो है सुर्खियों में बना हुआ है, कहीं ना कहीं इसका पूरा कनेक्शन जो अतीक अहमद से दिखाया जा रहा है। बिल्कुल, अगर अफवाहों की बात की जाए तो प्रयागराज में तमाम तरह की अफवाहें हैं, वो कहीं सोशल मीडिया पर, कहीं लोगों की जुबान पर है। कई तरह के नाम की चर्चा हो रही है, लेकिन किस तरीके की बातें हैं इसके अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है। अगर अभी थोड़ी देर पहले की बात की जाए तो धूमनगंज थाना क्षेत्र के नेहरू पार्क में पुलिस द्वारा जो मुठभेड़ हुई है उसमें एक अरबाज नाम का अपराधी है वो घायल बताया गया, और यहाँ पर जब लाया गया तो उसका जो है कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि उसकी मौत हो गई है, लेकिन इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है कि जो अपराधी है उसकी मौत हो गई है। पुलिस की टीमें लगातार कार्य कर रही है, थोड़ी देर बाद ही इस चीज की पुष्टि हो पाएगी कि अपराधी जो है उसकी मौत हुई है। पवन, क्या लगता है प्रयागराज पुलिस की और आगे क्या कुछ कार्यवाही हो सकती है? पुलिस की टीमें लगातार कार्य कर रही है, किस तरीके की बातें होंगी अभी या तो अधिकारी सामने आए, या जब तक मीडिया से बातें नहीं होंगी तब तक इस चीजों की नहीं कहा जा सकता कि किस तरीके की पुलिस जो है कार्रवाई कर रही है, कितने अपराधियों से मुठभेड़ हुई है, कितने पुलिसकर्मी काल हुए हैं, इसकी अभी तक पुष्टि नहीं हो पाई है। जी नंदिनी। पवन, देखिए बताया जा रहा है कि प्रयागराज में बड़े अधिकारी मौजूद हैं, तो वो कौन कौन से अधिकारी हैं जो वहां पर मौजूद हैं? अगर पूरे घटनाक्रम की बात की जाए तो बीते शुक्रवार को जब करीब 4:30 बजे गोलीकांड हुआ था, तब से पुलिस की टीमें लगातार कार्य कर रही हैं। पुलिस कमिश्नर द्वारा 10 टीमें का गठन किया गया है और जो पुलिस की टीमें हैं वो लगातार सर्च अभियान चला रही हैं अपराधियों की तलाश में। जिले के बाहर भी पुलिस की टीमें कार्य कर रही हैं। उसी कड़ी में आज धूमनगंज थाना क्षेत्र के नेहरू पार्क में अरबाज नाम के अपराधी से पुलिस की मुठभेड़ हुई है और जिस तरीके से यहाँ पर लाया गया है, एक पुलिसकर्मी भी घायल बताया जा रहा है। किस तरीके की बातें हैं, कितने पुलिसकर्मी घायल है, कितने अपराधियों से मुठभेड़ हुई है, किस तरह की पूरी घटना है, इसकी अभी तक पूरी तरीके से आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है। जी नंदिनी। जी पवन, इस पूरे हत्याकांड को लेकर, इस पूरे मामले को लेकर जो बड़े अधिकारी हैं, उन कौन इसको लीड कर रहा है, आधिकारिक रूप से किसको कहा जाए? चूंकि पुलिस कमिश्नर प्रयागराज द्वारा लगातार घटना के दिन से ही लगातार इस पूरे घटना को संज्ञान लिया जा रहा है, जिस तरीके से सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने इस घटना को लेकर आला अधिकारियों को चेतावनी दी है, उसका एक जीता जागता उदाहरण अभी देखने को मिला है। जिस तरीके से आज पुलिस की मुठभेड़ हुई है और पुलिसकर्मी भी घायल बताया जा रहा है, और कहा तो यह भी जा रहा है कि अपराधी की मौत हुई है, हालांकि उसकी आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है और लगातार पुलिस की टीमें कार्य कर रही है। जी जी पवन, कितने पुलिसकर्मी घायल हुए हैं? अभी तक खाली एक पुलिसकर्मी की बात सामने आई है, अब किस तरीके की बात है, जब तक अधिकारियों से बात नहीं हो पाएगी तब तक इसको कहना थोड़ी सी जल्दबाजी होगी। जी नंदिनी। जी पवन, देखा जाए तो इस पूरे मुद्दे पर कहीं ना कहीं योगी सरकार घिरती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल, अगर बात की जाए घटनाक्रम की तो जिस तरीके से चाहे वो पक्ष के लोग हो चाहे विपक्ष के लोग हो, लगातार पीड़ित के घर में, उमेश पाल के घर में लोगों का तांता लगा हुआ है, लोग जा रहे हैं, चाहे वो पार्टी के नेता हो चाहे विपक्ष के नेता हो, कहीं ना कहीं इस पे जो है सियासी पारा वो भी गर्म हो रहा है और लगातार
जो यहाँ पे तस्वीरें हैं वो सामने दिख रही हैं कि किस तरीके सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने इस पूरे मामले को संज्ञान में लिया, किस तरीके से आला अधिकारी इस पे कार्य कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि जल्द ही पूरे मामले का खुलासा हो जाएगा, किस तरीके की यहाँ पे चीजें थी और कौन इस पे पूरे षड्यंत्र का जो मुख्य है वो भी सामने आ जाएगा। जी नंदिनी, देखा जाए तो उस पूरे मामले को लेकर बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट किया है और लगातार वो आरोप लगा रही है सपा को। बिल्कुल, अगर बसपा सुप्रीमो की बात की जाए तो अभी हाल ही में आतिक अहमद की जो पत्नी है साइस्ता परवीन, उन्होंने बसपा की सदस्यता ली थी, उन्होंने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है कि साइस्ता परवीन अभी भी बसपा में बनी रहेंगी। और लगातार जो चाहे अन्य पार्टियों की बात हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी की बात हो, चाहे भाजपा की बात हो, चाहे बसपा की बात हो, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया है कि प्रयागराज में इस पूरे हत्याकांड के बाद से सियासी पारा जो है वो पूरी तरीके से गर्म है और तरह तरह की चर्चाएं हैं, तरह तरह की अफवाहों का दौर भी वो कहीं ना कहीं बाजार को गर्म कर रहा है। जी नंदिनी, पवन, क्या लगता है इस पूरे मामले में आगे किस किस पर शिकंजा कसा जा सकता है? अगर पूरे घटनाक्रम को देखा जाए तो अब तक एसटीएफ द्वारा करीब 50 लोगों को अलग अलग स्थानों से गिरफ्तार किया गया, उनसे पूछताछ की जा रही है किस तरह के यहाँ पे लोग हैं, किस तरीके से यहाँ पे घटनाक्रम को अंजाम दिया गया था और कहाँ के शूटर हैं, कितने लोग थे, अभी इसकी पूरी तरीके से आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है। हालांकि जिस तरीके से पुलिस यहाँ पे कार्य कर रही है, अभी थोड़ी देर पहले जब यहाँ पे एनकाउंटर हुआ है तो इस तरीके से लग रहा है कि कहा जा रहा है कि जल्दी पुलिस पूरे मामले को कहीं ना कहीं खुलासा कर लेगी। जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका पवन। वहीं प्रयागराज के धूमनगंज इलाके में मुठभेड़ हुई है। उमेश पाल मर्डर के संदिग्ध आरोपी से पुलिस की मुठभेड़ हुई है। बड़ी खबर प्रयागराज से है। पुलिस मुठभेड़ में एक आरोपी ढेर। अरबाज नाम का शूटर पुलिस मुठभेड़ में हुआ ढेर। उमेश हत्याकांड के वक्त अरबाज कार चलाता दिखा था।